अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस गया डेड और नॉट। देखिए यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, मुझे पर्सनली यहाँ पर यह लग रहा है कि इन लोगों ने एमिलिया क्लार्क जैसी एक्ट्रेस को सिर्फ 3 एपिसोड के लिए तो नहीं हायर किया होगा ना, मुझे आई थिंक लगता है कि इन लोगों ने इनको इसी तरह से हायर किया, हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगी। मगर हमने क्या देखा कि उसको तो इन लोगों ने मार दिया। तो यस, मुझे पर्सनली लग रहा है कि गया की डेथ नहीं हुई। यस, यहाँ पर यह मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा श्योरिटी से कह सकता हूँ, इसकी 2 रीजन है। एक तो मे बी यहाँ पर गया जो है ना वो सुपर स्क्रर हो, उस पर वहाँ पर इस वाली बुलेट ने कोई इतना ऐसा ना भी किया, और अगर किया भी हो सकता है वो किसी तरह से वापस आ जाए। दूसरा जो कि काफ़ी ज़्यादा वैलिड रीज़न है, अगर आप लोगों ने भी इसका ट्रेलर और इसका टीज़र पूरी तरह से देखा है, हमें वहाँ पर एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर गाया के काफ़ी ज़्यादा सीन्स देखने को मिले, जो कि अभी तक हम इसके 3 एपिसोड में यूज़ नहीं हुए। तो जिससे ये वाली बात कन्फर्म हो जाती है कि यस, यहाँ पर जो गया का कैरेक्टर है वो ज़रूर रिटर्न करेगा आने वाले एपिसोड में। तो यस, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया, इन लोगों ने हमें एंगल तो ऐसा दिखा दिया कि गया की डेथ हो गई है, मगर हमें वो ज़रूर देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर इसके साथ मैं मज़ीद एक और चीज़ भी ऐड करना चाहता हूँ, यही यहाँ पर जो सीक्रेट इन्वेजन है ना, मुझे अच्छी लग रही है। ये अनप्रिडिक्टेबल काफ़ी ज़्यादा है, हमने episode number 1 के एंडिंग में देखा था इन लोगों ने कैसे एजेंट मारिया ही उसको दिखा दिया कि उसकी डेथ हो गई है। episode number 3 में हमें दिखा दिया कि कैसे एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर गाया की डेथ हो गई है, वो अलग बात है, मैंने आप लोगों को बता दिया ये ज़रूर रिटर्न करेगी कैरेक्टर आने वाले एपिसोड में।